हेलो दोस्तों, MRSE टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज हम 3-phase मोटर का कनेक्शन करेंगे। अभी आपको सामने से हम लाइव दिखा रहे हैं कि 3-phase मोटर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 3-phase मोटर में तीन ही वायर निकलता है बाहर और तीन वायर आपको डायरेक्ट सप्लाई उधर से मिलेगा, तो आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी क्या है कि इसमें टोटल 6 वायर देखिए निकला हुआ है, 3 और 3, 3, 6, और ये आपका 2 जो है ये 2 ओवरलोड का है। तभी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमको फेज में डालना है और कौन सा हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इधर में देखिए जो टर्मिनल से वायर आया है हमारे पास, ये हमारे पास टर्मिनल से टोटल हमारे पास 3 और 2, 5 वायर आए हैं, क्योंकि 3, 2, 5 और 1, 6 वायर है। लेकिन ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्रीन है, अर्थ है ग्राउंड का, तो ये अलग ही रहेगा। आपको जो काम है ये 3 फेज है आपका, इधर में रेड येलो ब्लू देख रहे हैं और दूसरा ये ओवरलोड का ये कनेक्शन आया हुआ है। तो 2 ओवरलोड और 2 ओवरलोड के साथ आप डाल सकते हैं फाइंड आउट करके। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमारा ये है आपका, कौन सा फेज में आएगा और कौन सा कॉमन हम शॉर्ट करेंगे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कनेक्शन के लिए। तो अभी वीडियो में आप बने रहिए, आपको हम एक एक चेक करके बताते हैं क्लैंप मीटर से। हाँ दोस्तों, तो अभी देखिए हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो वायर है ब्लैक और ब्लू, ये अपना कॉमन है, एक साथ मतलब कॉइल बना हुआ है, दूसरे में नहीं आना चाहिए। देखिए दूसरा किसी में नहीं आ रहा है, दूसरा किसी पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। इधर में भी है 2 वायर, दूसरा किसी में नहीं आना चाहिए। तो हमने ये देख लिया कि ये वायर को हम अलग कर देते हैं, ये 2 वायर एक साथ है। दूसरा चेक करेंगे, ये ब्लू के साथ आ रहा है अपना, बाकी किसी के साथ नहीं आएगा, किसी के साथ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक साइड कर देंगे। सेट कर दिए, अब बचा मेरे पास इधर 2, तो ये 2 आपस में आना चाहिए, सॉरी ये नहीं आ रहा है, सॉरी ये और ये आपस में है, ओके। तो ये और ये अभी आना चाहिए हमको, तो मिक्स हो गया था वायर। ये देखिए ये 2 इसमें आ रहा है और ये 2 इसमें आ रहा है और ये आपका 2 इधर निकाला है। तो टोटल हमारे पास 6 वायर में कॉमन 2-2 वायर है, ठीक है। तो हमें इसमें से 3 को आउट कर देना है, तो 3 हम किसी को भी निकाल करके एक साथ शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए एक वायर को इधर निकाल दिया, ओके, एक वायर को इधर निकाल दिया, अभी एक वायर को हम ये निकाल दिए, ये 3 को हम एक साथ कर दिए, सॉरी ये ब्लैक को निकाल देते हैं क्योंकि इसमें लंबा वायर है तो ज्वाइंट करने में आसानी होगा हम लोग को, ठीक है ना। अभी इसको क्या करेंगे, हम आपस में शॉर्ट कर देंगे, अभी हमारा ये सब के साथ आएगा पॉइंट, ओके। अभी देख रहे हैं किलोमीटर में आ रहा है, तब ये हम आपस में इसको शॉर्ट कर दिए। अब ये तीनों को हम ये फेज में डाल देंगे और ये 2 हमारा ओवरलोड का है, तो 2 हमारा ओवरलोड का इधर से पॉइंट आया हुआ है, 2 ओवरलोड के साथ लगा देंगे और बाकी 3 को हम फेज के साथ लगा देंगे, तो हमारा मोटर जो है रनिंग होने लगेगा। तो चलिए हम फुल कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। अभी देखिए हम ये, अब क्योंकि इधर शॉर्ट हो गया है ना, अब ये 3 वायर को आपस में शॉर्ट कर दिए, तो ये तीनों इधर भी आएगा, ये इधर में भी देखिए पॉइंट अपना आएगा, ये भी अपना कॉमन हो गया एक साथ। लेकिन ये तीनों फेज का हम अलग निकाल दिए हैं और इसको 3 को एक साथ शॉर्ट कर दिए हैं और 3 को अब 3 फेज इधर निकाल दिए हैं, तीनों अपना ये अलग अलग है पॉइंट, ओके। अभी हम कनेक्शन करेंगे।
हाँ दोस्तों, तो देखिए इसका यहाँ पे ड्राइंग भी मोटर पे दिया रहता है, फासो कंपनी का मोटर है ये। यहाँ देखिए टर्मिनल कैसे आपका ये जो है ब्राउन टू ब्लू एक कॉइल है ना अपना, ब्लैक टू वाइट, इसी तरह से आपका VLT टू ORG है, और अपना ये जो है आपका जो देख रहे हैं T1 टू T2 जो है ना, ये आपका ओवरलोड का दिया हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन तो इसको एक्चुअल में स्टार कनेक्शन भी बोलते हैं। 6 वायर बाहर निकाल दिया तो 3 आपको शॉर्ट करने का है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि ये 3 वायर तो मैंने निकाल दिया है ये 3 फेज डालने के लिए, और ये आपका 3 वायर को जो है आपस में ये तीनों का एक एक पॉइंट जो निकला है हम उनको आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। तो अभी हम 3 फेज डाल करके या फिर अपना ये जो ओवरलोड का आपका जो 2 बच रहा है ये ओवरलोड में डाल देंगे। 2 पॉइंट उधर से आया है और ये आपका एक ग्रीन है तो आपका अर्थ है तो उसको तो ग्रीन के साथ आप अटैच कर देंगे। तो ये था इसका वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर अपना ख्याल रखें।